बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंतज़ार भी होगा वीडियोस का, क्योंकि थोड़ा सा गैप आ गया, वीडियोस हम आपके लिए नहीं ला सके और बिल्कुल अब ये इंतज़ार की जो आप कहने की जो इंतज़ार किया है वो उसको बहुत डिफरेंट सी रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज आप देख रहे होंगे मैं बहुत ही ज़बरदस्त से किचन में मौजूद हूँ, स्नैप के किचन में हूँ और इनकी जो चीज़ें हैं लाइक इक्विपमेंट हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, चाहे वो अवन है, माइक्रोवेव है या फिर पॉप है। बहुत लविशनेस किस्म का एक लुक आ रही है और इसमें मुझे बताया गया है कि सबसे अच्छी चीज़ इस हॉब में ये है कि आपके जो बर्नर्स हैं आप उसको बहुत इजीली निकाल के वॉश कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि वो बर्नर को निकालना बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो बहरहाल ये बहुत हैंडी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं बहुत ही डिफरेंट और सिंपल वे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। हम बनाएंगे वाइट, ठीक है जी, वाइट हम बनाएंगे चिकन और उसको हम उसको सर्व करेंगे पराठे के साथ, यानी कि तो वाइट चिकन पराठा रोल हम बनाएंगे वाइट सॉस के साथ। करेंगे फ्राई के, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है प्लेन पराठे, इसको हम पराठा रोल के लिए यूज करेंगे और उसके साथ साथ रिच की कुकिंग जो हमारे पास क्रीम है वो भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं वाइट चिकन मलाई पोटी पराठा रोल, और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक बाउल, ठीक है, जिसमें हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और कुकिंग क्रीम जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। और कुकिंग क्रीम के बारे में आप सब जानते हैं, इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली थिक होती है, तो इसमें आपको कोई दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने ले ली है क्रीम तकरीबन 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप हमने ले ली है ये जिसकी कुकिंग क्रीम, और उसके साथ ही और अब इसमें मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ग्रीन चिली पाउडर, ठीक है। ग्रीन चिली पाउडर मिल जाता है मार्केट में, अगर अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, तो सिर्फ पल आप क्या कीजिएगा, हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये आपने डालना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, दखनी मिर्च, तीनों नामों से इसको जाना जाता है, ये हमने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी। 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय की चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड की हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा जनाब 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे क्रीम के साथ, और इसमें हम डाल देंगे चिकन, बोनलेस चिकन चाहिए, और तकरीबन 250 ग्राम्स 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, और उसको मैंने तकरीबन 1/2 इंच में कट कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्सअप कर ली, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये चिकन, देख रहे हैं आप छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने चिकन को कट कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि आप इसको मैरिनेट करके कम से कम 1 आवर के लिए रेस्ट दे दीजिए, और या आप फ्रिज में बना के रख लीजिए, जब आपके बच्चे मांगें, गेस्ट आ रहे हैं, तो फटाफट आप इस चिकन को निकालिए, पकाइए और सर्व कीजिए। चल, यहाँ पर मैरिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई थी, और अब हम ले लेंगे एक पैन, और इस पैन में अब अपना जो हमारा चिकन है उसको डन करेंगे। अच्छा, इन जो है जो हॉप है इनका स्नैप वालों का बहुत ज़बरदस्त है, इसमें जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि इनका साइज़ बहुत बहुत अच्छा है, बड़ा है। अमूमन
जो हमारे पास बर्नर होते हैं उनकी साइज़ यानी कि जो फ्रेम है वो अमूमन राउंड होता है और बहुत छोटा होता है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन और अब इस पैन में हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। एक खाने का चम्मच हमने क्रीम के साथ डाला था और एक ही खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट पैन को आपने ग्रीस कर लेना है, पैन हमारे पास ग्रीस हो जाएगा और इसमें अब हमने ये चिकन जो है ये ऐड कर देंगे। बस इसको अब हमने पकने देना है, स्लो फ्लेम पे, नॉर्मल फ्लेम पर इसको हम डन कर लेंगे। चलो ये हमारे पास चिकन जो है डन हो रही है और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, सेम टाइम हम जो अपने पराठे हैं उनकी तरफ आ जाएंगे और उनको हम फ्राई करते हैं। नॉर्मल फ्लेम पर आपने इसको पराठों को फ्राई करेंगे और यहाँ पर मेरे पास फ्राइड के पराठे भी मौजूद हैं। फ्राइड जो है हमारे पास मौजूद है और इसके पराठे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रोज़न पराठे हैं और इनके नान भी मौजूद हैं, नान भी आते हैं, पराठे भी आते हैं और इतना बेस्ट क्वालिटी पराठे हैं। अब इस पराठे को हम निकालते हैं और फ्राई करते हैं। और एक पराठे को हम निकालते हैं और यहाँ पर फ्राई। अच्छा, इनमें क्योंकि यूजली पराठों पर ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ होता है, ठीक है। पराठे बहुत ज़बरदस्त हमारे पास तैयार हो रहे हैं, देखिए बहुत ही फ्लफी पराठे हैं। अच्छा, इन पराठों से इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बहुत सारी और ओवन बेस्ड रेसिपीज भी सिखाएंगे। ये देखिए पराठे की लुक देख रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त आई है और फूल गया है, फ्लफी हो गया है, बड़ा अच्छा सा। चलिए जनाब, पराठे भी हमारे पास तैयार हैं, चिकन हमारे पास, मलाई बूटी जो है वो भी तैयार है। तो जनाब यहाँ पर हमने मलाई बूटी रखी और मलाई बूटी आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई नहीं है, राइट। आप देख रहे हैं इसमें क्रीमी सॉस जो है वो हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना है। अमूमन ये कंप्लेन आती है कि जी जब हम पराठा रोल वगैरह बनाते हैं तो बाज़ार जैसा नहीं बनता या वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई इसलिए होता है कि आप उसको चिकन को बहुत ज़्यादा उसको ड्राई कर देते हैं, ठीक है। और अब जनाब इसमें आपकी चॉइस है, जो भी आप इसमें वेजी रखना चाहें रख सकते हैं, ना रखना चाहें ना रखें, इट्स अप टू यू, ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं इसमें कुकम्बर रख रहा हूँ, खीरा बिल्कुल फाइन मैंने इसको चॉप किया हुआ है, बारीक चॉप कर लिया था और पतले पतले इसके आपने स्लाइसेस काटे। चलिए जी, खीरा हमने रख दिया, उसके साथ प्याज अगेन ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिए, वैसे कबाब पराठे में ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप चाहें तो इस चिकन को स्मोक भी दे सकते हैं, लाइक कोयले का धुआं भी दे सकते हैं और या बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा टच दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन बना रहा हूँ। ये हमने इसमें डाल दिया बंद गोभी, ठीक है, और बारी है आप इसको रैप करने की। हमेशा याद रखिएगा पराठे में कभी भी सेंटर में आपने फिलिंग नहीं करनी होती, थोड़ा सा साइड पर करके फिलिंग कीजिएगा और उसके बाद इसको आप ये रैप कर दें, ठीक है। ये रैप हो गया, सेम यही सेंटर में आप करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो रैप सही नहीं होता, चीज़ें सारी बाहर आ रही होती हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास एक डन। We'll be right back.
पास पराठा रोल तैयार है और आज पराठे हमने यूज़ किए हैं, आप लोग जानते हैं प्राइड के, और बहुत बेस्ट पराठे हैं। सबसे अच्छी बात इन पराठों की ये है कि नॉर्मल कोई भी फ्रोज़न जब आप पराठा यूज़ करते हैं तो उसको आपको फौरन फ्रीज़र से निकाल के और यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो स्टिकी हो जाता है और रैपर हटता नहीं है, पराठा आपका सारा बर्बाद हो जाता है। इसमें ये नोटिस मैंने किया है कि मेरे पास कम से कम भी ये एक बल्कि 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है फ्रीज़र से निकाल के रखे हुए हैं और ये बिल्कुल नहीं चिपके। बेस्ट पराठे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ प्राइड को, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इनकी कुकिंग क्रीम भी बहुत बेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और जनाब आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में खूबसूरत से किचन स्टूडियो इसनेस में जो हमें स्पॉन्सर किया है, और आपसे होगी मुलाकात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ताकि कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।